दोस्तों सबसे पहले सीआरटी टीवी का इस नया फॉल्ट को देख लीजिए। देखिए एक बार बंद हो गया, थोड़ी देर बाद चलने लगा, दोबारा बंद हुआ, दोबारा चालू हो गया। ये अपने आप बंद हो रहा है, अपने आप चालू हो रहा है। तो इस फॉल्ट के सलूशन कैसे आप कर सकते हैं मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, हो सके तो एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों सबसे पहले ये जो आप बल्ब देख रहे हैं, इस बल्ब को हम कनेक्ट कर लेते हैं हमारे मदरबोर्ड से। तो इस बल्ब को कैसे कनेक्शन करना होगा आप लोगों को शायद से पता होगा, नहीं पता है तो पिछले वीडियो में जाके इसका आप कनेक्शन देख सकते हैं। मैं टेनेस्टर का बीज वाले पिन पे लगा दूंगा, आउटपुट जो टेनेस्टर होता है उसके बीज वाले पिन पे कनेक्शन लगा दूंगा, और दूसरा कनेक्शन में लगाऊंगा ग्राउंड को। और लगाने के बाद हम इसको सप्लाई देंगे। तो चलिए इसका कनेक्शन कर लेते हैं सबसे पहले, और बाकी जितना भी वायर है सब कनेक्शन कर लेते हैं। और मीटर को हम रख देते हैं 200 के रेंज पे। 200 के रेंज पे रखने के बाद हम इसका जो ग्राउंड है, पिक्चर ट्यूब से हमारा ग्राउंड आता है, वो ग्राउंड लगा देते हैं हमारे बेसबोर्ड में। बेसबोर्ड में लगाने के बाद हम इसमें अभी सप्लाई देंगे, और सप्लाई दे के देखेंगे। देख सकते हैं दोस्तों हमने इसमें सप्लाई दे दिया है, और सप्लाई देने के बाद ये जो प्रॉब्लम है ये आप लोगों को दिख रहा है, ये जो बल्ब है हल्का सा डाउन हो रहा है और अप हो रहा है, डाउन हो रहा है अप हो रहा है। तो ये हमारा मेन फॉल्ट, इस बल्ब को देख के आप पता कर सकते हैं हमारा जो फॉल्ट है क्या है। वीडियो लंबा होने वाला है इसलिए वीडियो को बिना स्किप करिए, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको इस फॉल्ट के बारे में समझ में आएगा। अभी मैं आप लोगों को इसका पिक्चर दिखाने वाला हूँ, जो ये जब बल्ब हल्का सा डाउन होता है तो पिक्चर भी बंद हो जाता है। देखिए हल्का सा बल्ब बंद हुआ और पिक्चर भी हमारा गायब हो गया, दोबारा पिक्चर आ गया, बल्ब दोबारा जल चुका है। हल्का सा बल्ब बंद होता है और पिक्चर दोबारा से चला जाता है, देख सकते हैं ये हमारा फॉल्ट है। तो इस फॉल्ट के प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से आते हैं आज के वीडियो में आप लोगों को वही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बोर्ड में कुछ फॉल्ट चेक कर लेंगे, जिस फॉल्ट के बारे में जानकारी लेंगे इस फॉल्ट को चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम 360 वोल्ट जो हमारा मेन वोल्टेज रहता है उसको हम चेक कर लेंगे। देख सकते हैं हमारा 287 के अराउंड वोल्टेज आ रहा है, यानी हमारा ये वोल्टेज लगभग सही है। अभी हम 110 के वोल्ट, जो 110 वोल्ट है वो हम चेक कर लेंगे, 110 वाला वोल्ट, और इसमें होल्ड करेंगे, चेक करते हुए होल्ड करेंगे। 107.8 के राउंड वोल्टेज आ रहा है, ये वोल्टेज हमारा डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वही देखेंगे। जब तक हमारा वोल्टेज, ये जो बल्ब है थोड़ा सा भी कम ज़्यादा नहीं होता है, तब तक आपको इसमें होल्ड करके रखना होगा। देखिए जब भी मैंने होल्ड किया है मीटर में कुछ हलचल हुआ है, दोबारा देख लीजिए मीटर में हलचल होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना भी सर्किट है हमारा पूरा बोर्ड का, पूरा बोर्ड को एक बार सोल्डिंग कर देंगे। जितना भी कंपोनेंट है, आपको लग रहा है ये वाला कंपोनेंट हमारा फटा हुआ है, तो हम उसमें भी सोल्डिंग कर लेंगे। पूरा बोर्ड के अंदर सोल्डिंग करने के बाद हम दोबारा सप्लाई देके देखेंगे। जब तक मैं सोल्डिंग कर रहा हूँ, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों देखिए हमारा सोल्डिंग लगभग कंप्लीट हो चुका है, और सोल्डिंग कंप्लीट होने के बाद हम दोबारा सप्लाई देके इसका वोल्टेज मेजर करेंगे। देखिए हमारा सोल्डिंग कंप्लीट हो चुका है, अभी हम इसका जो वोल्टेज है दोबारा चेक करेंगे, और फॉल्ट हमारा दोबारा से है या हमारा फॉल्ट जो सॉल्व हो चुका है वही देखेंगे। देखिए हमारा जो फॉल्ट था वो लूज कनेक्शन की वजह से नहीं था, ये जो फॉल्ट होता है लूज कनेक्शन की वजह से भी होता है, और भी तीन चार जगह से होता है। तो मैं सीआरटी टीवी की मदरबोर्ड में आप लोगों को मार्क करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों देख सकते हैं मैंने इस बोर्ड पे बहुत सारे मार्क करके रखा है, जहाँ जहाँ मैंने मार्क करके रखा है उसी जगह पे आपको ये वाला फॉल्ट मिलेगा। उस कंपोनेंट को सबसे पहले छोटे वाले कंपोनेंट से शुरू करिए, और लास्ट में एसटी तक जाइए, तभी आपका ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व सोल्यूशन मिल जाएगा।
अभी दोबारा हम मदरबोर्ड में आ गए हैं और मदरबोर्ड में दोबारा वही फॉल्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे, हमारा जो फॉल्ट कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो एक क्रिस्टल आईसी है जो हमने मार्क करके रखा था आईसी के बगल में, उस आईसी को जब भी हम हिलाते हैं तो हमारा ये जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा स्विचिंग कर रहा था, तो इसलिए मैं सबसे पहले ये जो क्रिस्टल आईसी है मैं उसको निकाल दूंगा। देख सकते हैं मैं हाथ लगा रहा हूँ तो हमारा एसटी अप डाउन हो रहा है, तो इसका वोल्टेज हम मेजर करेंगे। यहाँ पर दोनों पिन में वोल्टेज आपको दिखाएगा, पर आप किसी भी पिन पे एक पिन पे टच करेंगे तो ये हमारा एसटी डाउन कर देगा। तो हमारा नीचे वाले पिन पे एसटी डाउन हो रहा था, पर ऊपर वाले जो पिन है उस पर हमारा एसटी डाउन नहीं हो रहा है। तो ये जो फॉल्ट है, तो इस फॉल्ट के लिए हम क्या करेंगे, जो ये क्रिस्टल आईसी है इस क्रिस्टल आईसी को निकल के दोबारा चेक करके इसको ही लगाएंगे और हमारा जो फॉल्ट है देखेंगे हमारा हुआ कि नहीं हुआ। देख सकते हैं हम ऊपर वाले पिन पे जब भी लगा रहा है कुछ नहीं हो रहा है, नीचे वाले पिन पे हमारा हलचल हो रहा है। तो हम इस क्रिस्टल आईसी को सबसे पहले निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने क्रिस्टल आईसी को निकल चुका हूँ और इसी क्रिस्टल आईसी को वेरीफाई करने के बाद मैं दोबारा इसको उधर ही लगा दूंगा। अगर आपका ये क्रिस्टल आईसी थोड़ा सा भी फटा फूटा हुआ है तो ये जो फॉल्ट है हमारा आ सकता है, पिक्चर आना जाना ये जो फॉल्ट है ये आ सकता है। तो हम इस क्रिस्टल आईसी को एक बार आंखों से वेरीफाई करके दोबारा इसको उधर ही कनेक्शन कर देंगे। देख सकते हैं मैं उसी क्रिस्टल को दोबारा उधर ही कनेक्शन कर रहा हूँ। अगर ये क्रिस्टल आईसी आपका कोई भी पिन जंग लग चुका है तो आप इस क्रिस्टल आईसी को चेंज कर सकते हैं, और अगर नहीं जंग लगा हुआ है तो इसी क्रिस्टल आईसी को दोबारा लगा दीजिए, क्योंकि इस क्रिस्टल आईसी की वजह से आपका एसटी जो होता है सही से काम करता है। तो सोल्डिंग करने के बाद हम दोबारा इसका जो प्रॉब्लम है दोबारा चेक करेंगे। इस फॉल्ट को चेक करने के लिए हमें थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि ये जो फॉल्ट है हमारा कोई कंपोनेंट हीट होने के बाद ही ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो सबसे पहले हम सप्लाई देंगे, क्रिस्टल आईसी को हम जोड़ दिया है और अभी सप्लाई देंगे, सप्लाई देके देखेंगे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। कम से कम 30 सेकेंड तक ऐसे ही देखते रहेंगे, क्योंकि हमारा 10-20 सेकंड के अंदर ही जो ये फॉल्ट आ रहा था। दोस्तों देख सकते हैं 20 सेकंड के ऊपर हो चुका है, फिर भी हमारा कोई फॉल्ट नहीं दिखा रहा है। और एक बार हम इसका पिक्चर भी देख लेंगे और थोड़ी देर रुक जाते हैं और देख लेते हैं हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। एक बार हम वीडियो भी लगा के देख लेते हैं इसका। दोस्तों देख सकते हैं कोई भी फॉल्ट नहीं आ रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे इसका जो पिक्चर है वो भी देख लेंगे। बहुत टाइम से हमने इसका चेक किया फिर भी कुछ कोई फॉल्ट नहीं आ रहा है। देख सकते हैं हमारा पिक्चर जो है एकदम ओके है, और ये बल्ब भी देख सकते हैं कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो हमारा जो फॉल्ट था वो था हमारा क्रिस्टल आईसी की, जो मेन आईसी के बगल में जो क्रिस्टल आईसी रहता है 2 पिन वाला, उसी के अंदर ये वाला फॉल्ट था। आई होप आप लोग इस वीडियो में सब कुछ समझ चुके होंगे।
इस फॉल्ट के बारे में, और मैंने जहाँ जहाँ पर मार्क किया था उसी जगह पे आप फॉल्ट को चेक कर सकते हैं। ये फॉल्ट उसी जगह से आता है, वही चार पांच जगह से ये फॉल्ट आता है। अगर आपका सक्सेस नहीं होता है तो मेरे चैनल को डिसलाइक करके, मेरे वीडियो को डिसलाइक करके आप जा सकते हैं। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।